हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। देखो भाई, कोरोना तो अभी है और ये 2023 तक दुनिया में रहेगा भी, मतलब उसके बाद ख़त्म होगा कि क्या, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो रहेगा और हमें उससे बचना भी है और सोशल डिस्टेंस फॉलो भी करना है। ये सब तो बातें हुई जो हम लोग अक्सर करते हैं। देखिए, मेनली जो आज मैं आपके पास आया हूँ वो एक्यू से रिलेटेड न्यूज़ लेके आया हूँ। एज यूजल, अगर एक्यू से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है या संभावना रहता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे, सर हम लोग का जो ओट सेमेस्टर है, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर, उसका फॉर्म कब बनाएगा, एग्जाम कब आएगा, तो उससे एक अपडेट है। और अब मैं संभावना व्यक्त वर्ड ज़्यादा करूँगा, आपको ही पता है क्यों। तो देखिए, 30 जनवरी को जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे के प्रिंसिपल के साथ एक्यू का मीटिंग होने का संभावना है। एक्यू का मीटिंग होने का संभावना है। वही 30 जनवरी के बाद हम लोग को पता चलेगा कि किस दिन आप लोग का फॉर्म भराएगा और कब आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे में हम लोग का मिड सेमेस्टर हो गया है, तो मिड सेमेस्टर के बाद बचता क्या, इन सेमेस्टर। वही एक बात और मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, अभी तक फॉर्म नहीं भराया तो गेट के पहले एग्जाम तो होगा नहीं। और मैं बार बार अपडेट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको मेहनत करके इस बार गेट में परफॉर्म करके दिखाना है। ये फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर के बच्चों को मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई कि आप लोग सब आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे या जानना चाह रहे थे कि सर हम लोग को फॉर्म कब भराएगा और एग्जाम कब होगा, तो वो आपको 30 जनवरी को पता चलेगा। 30 जनवरी को एक्यू के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे के प्रिंसिपल से एक्यू का मीटिंग है। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कब फॉर्म भराएगा और कब हम लोग का इंड सेमेस्टर अर्थात यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। अगर कोई भी आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा तो आपका कमेंट का जवाब दे दूं, या कोई भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट करके आप पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।